दिल्ली से कश्मीर तक आतंक पर कड़ा प्रहार हुआ। कश्मीर में 7 आतंकी मारे गए, जबकि दिल्ली में जैश का एक संदिग्ध आतंकी सज्जाद गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि ये आतंकी पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड के संपर्क में था। सज्जाद पुलवामा का रहने वाला है, उसे दिल्ली में स्लीपर सेल बनाने के लिए भेजा गया था। सज्जाद दिल्ली में कारोबारी बनकर छिपा हुआ था। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यही वो सज्जाद है जो जैशे मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ था और पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है लाल किला के पास जो लाजपत राय मार्केट है वहां से, और उसके बाद लगातार इसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के ऑफिस में पूछताछ की जा रही है। एनआईए के ऑफिसर्स लगातार पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि सज्जाद उर्फ साजिद दिल्ली में छोटे मोटे काम कर रहा था और यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी थी स्लीपर सेल को एक्टिव करने की, स्लीपर सेल को इस्टेब्लिश करना इसका जो मेन काम था यहाँ पर, और इसने जो पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था उससे लगातार ये संपर्क में था। और बताया जा रहा है कि पुलवामा हमले के तुरंत बाद इसकी बात भी हुई थी और उसी वक्त से पुलिस की टीम लगातार इस पर नजर रखी हुई है। यह भी बताया जा रहा है कि सज्जाद के दो और भाई थे जो कि जुड़े हुए थे जैश ए मोहम्मद से, जो कि पहले ही सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। लगातार पूछताछ की जा रही है। स्पेशल सेल के ऑफिस में एनआईए के ऑफिसर्स यहां पर पहुंचे हुए हैं और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि जो जिम्मेदारी यानी स्लीपर सेल एस्टेब्लिश करने की जो जिम्मेदारी दी गई थी उसमें अब तक इसने क्या किया, दिल्ली में और कितने लोगों के संपर्क में था, इसके अलावा जैश ए मोहम्मद के कितने और आतंकियों के संपर्क में था, इसकी कोई ट्रेनिंग हुई थी या नहीं हुई थी, ये सारी चीजें पूछताछ कर जानकारी इकट्ठी की जा रही है। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में लश्कर कमांडर को ढेर कर दिया। बारामूला, शोपिया, सोपोर और बांदीपुरा में हुए एनकाउंटर में 7 आतंकी ढेर हुए। कश्मीर में मारे गए ये आतंकी मासूमियत के दुश्मन निकले। बांदीपुरा के आतंकियों ने एक 10 साल के बच्चे को अपनी ढाल बना ली और उसकी जान ले ली। एनकाउंटर के दौरान बच्चे के माता पिता ने आतंकियों से बच्चे को छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन आतंकियों ने उसे अनसुना कर दिया और मासूम की जान ले ली। बांदीपुरा एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तान और आतंकियों पर करारा प्रहार होने के बाद भी आतंकियों की नापाक साजिश जारी है। ऐसे में हिंदुस्तान को हर वक्त अलर्ट रहने की जरूरत है, वरना ये आतंकी कभी भी पुलवामा जैसे हमले की साजिश फिर रच सकते हैं।